दुर्भाग्य है कि आप दो बार चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, इस बार कहां से हुंकार भर रहे हैं? देखिए, हमने खलीलाबाद के लिए कहा है कि खलीलाबाद से चुनाव लड़ेंगे, अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा, तो मौका मिलता है तो सुझाव देते हैं। ये आप घुमा रहे हैं, आप आजम खान जी के कितने करीबी रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आपकी पार्टी आजम खान जी के लिए क्या कर रही है? आज जेलों में है। आजम साहब ने समाजवादी पार्टी के लिए जितना कुछ किया है, हम उनके लिए कुछ भी कर दें वो कम है। देखिए, बिजली की जहाँ तक बात कर रहे हैं, कोई बिजली का एक पावर प्लांट उन्होंने 4.5 साल में नहीं लगाया। यानी जो बच्चों के खेलने का ड्रोन है, वो उस पर उतारा जाए तो सड़क धंस जाएगी, इस तरह की सड़क बनी है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने 4 विश्वविद्यालय दे दिए, नौका विहार को आज नौका विहार कर दिया। आपकी सरकार केवल प्रोजेक्ट मैनेजर बदलती रही। मोदी वैक्सीन उन्होंने इसलिए कहा था कि ये प्रचार ज़्यादा करते हैं और लोगों से पैसा भी ऐंठ लेते हैं, तो आप फ्री में लगवाइए, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम नहीं लगवाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने यूपी मॉडल को सराहा है और वहाँ के एक मंत्री ने कहा कि अगर योगी जी की ज़रूरत ऑस्ट्रेलिया में है। लकड़ी का तो इंतज़ाम गंगा के किनारे कर नहीं पाए, हजारों लाशें जो है गंगा में बही, किसी मुसलमान की लाशें थी क्या? क्या लगता है ओवैसी जी के आने से मुसलमान किधर जाएगा? 7 सीट उनकी है ना, 9 लड़े 7 सीट है, अपने भाई को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, यहाँ तो उनकी एक भी सीट नहीं है। यहाँ किस बात पर मांग कर रहे हैं? उनकी सीटें होती है। जफर जी, उनकी रैलियों में भीड़ हो रही है, जबरदस्त मुस्लिम युवा जा रहा है, मुस्लिम किधर जाएगा? सपा की तरफ जाएगा, बसपा की तरफ जाएगा या ओवैसी की तरफ जाएगा? देखिए, मुसलमान बिहार की तरह नहीं जाएगा, मुसलमान बंगाल की तरह जाएगा। केशव प्रसाद, और मुसलमान ही की बात नहीं है, मुसलमान अब हिंदू भाई के साथ जाएगा, ये भी बात है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती कि हम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे? 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा, यानी वो 60 पा रहे हैं, 40 जो बच रहा है उसमें भी आधा पा रहे हैं, आप कहाँ हैं? कि अगर 100 पाकेटमार, चोर, अपराधी, छोटे मोटे गुनाहगार अगर पकड़े गए हैं तो सबने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। आज शिवपाल सिंह यादव एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा फोन उठा लेते हैं, भतीजे यानी अखिलेश फोन उठा नहीं। एक ऐसा शख्स जिसने पार्टी के लिए गलियों में पोस्टर लगाया हो, एक ऐसा शख्स जिसने पार्टी के लिए संघर्ष में लाठियां खाई हो, एक ऐसा शख्स जिसने पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो, एक ऐसा शख्स जिसकी लंबी राजनीतिक यात्रा हो, पार्टी में पकड़ हो और पार्टी के वोटों को सींचने का काम कर रहा हो, एक ऐसा शख्स जिसने कई नेताओं को सदन तक भेजा हो। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस व्यक्ति के लिए हमने ये 2 लाइन की भूमिका बनाई है, वो कोई और नहीं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जाना माना चेहरा जफर अमीन डक्कू जी हैं। जफर अमीन डक्कू जी 1984 से इनकी राजनीतिक यात्रा का सफ़र शुरू होता है और ये 1991 में जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ते हैं गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र है। 2012 में फिर टिकट मिलता है, ग्रामीण से चुनाव लड़ते हैं। 7 साल तक अलग अलग पदों पर ये संगठन के काम भी देखते रहे हैं और 1989 में ये पार्षद भी रहे। जफर अमीन डक्कू जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये सत्ता में भले ही बड़े पद पर ना रहें, लेकिन नीति बनाना हो, पर्दे के पीछे से एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जफर अमीन डक्कू जी का आज हमने फिर से नाम दिया और ट्रेंडिंग में नाम व्यक्ति विशेष उत्कर्ष पत्रिका पर निकल के आया डक्कू जी का, कि इनका व्यक्ति विशेष किया जाए। डक्कू जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पर स्वागत है। शुक्रिया। उत्कर्ष पत्रिका के दर्शक, आपके चाहने वाले और भी लोग जो आपके 36 साल के लंबे कैरियर में जो अब जुड़े हैं, वो जफर अमीन डक्कू जी के संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं। जरा आप विस्तृत रूप से हमारे चैनल पे अपने संघर्ष की यात्रा को बताएं। देखिए, 1984 से हमको राजनीति करने का शौक हुआ। 82 में सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज से हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया। हमारी सबसे पहली मुलाकात देवरिया में एक मीटिंग हुई थी लोक बंधु स्वर्गीय राज नारायण जी से, और उनसे हमारी मुलाकात हुई। कुछ सवाल उस वक्त हमने उनसे पूछा था और उन्होंने उसका जवाब दिया था
ये मौका नहीं है कहने का, लेकिन उन्होंने एक सवाल हमसे पूछा जिसका जवाब हम नहीं दे पाए थे उस वक्त। उन्होंने पूछा था कि हाफिज़ किसको कहते हैं, तो हमने कहा हाफिज़ जो लोग कुरान के 30 पारे को याद रखते हैं ज़बानी, उनको हाफिज़ कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, उनको हाफिज़ नहीं कहते, उनको हाफिज़े कुरान कहते हैं। कोई भी किताब अगर अपनी ज़बान से कोई हिफ्ज़ कर ले, याद कर ले ज़बानी, तो वो उस किताब का हाफिज़ होगा। तो उस वक्त हम उनकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुए। फिर कुछ ऐतिहासिक बातें थी जिसके बारे में मैंने उनसे पूछा था, जैसे महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में और तमाम सवाल। तो वहीं से हमने फिर वो पहली सभा हमने किया था भाटपार रानी में, और उन्हीं के प्रोग्राम में जब मैंने माइक पकड़ा था तो कुछ देर तो बदन में कपकपाहट थी, लेकिन फिर भड़ास खुल गई, क्योंकि उतने बड़े नेता के मंच से भाषण करना बहुत बड़ी बात। और वहीं से लगे हम। जनेश्वर मिश्रा जी चुनाव लड़े सलेमपुर से, तो वहाँ मैं प्रचार करने जाता था, वो हम लोग गाड़ी से प्रचार करते थे। और हमको अच्छी तरह याद है कि गोरखपुर तक में हमने पोस्टर लगाया है गलियों में, हाथ से पर्ची लिखा है। 89 में रामपाल सिंह जी चुनाव लड़े थे यहाँ जनता दल से, और उसमें पर्ची उनके चुनाव में हाथ से सड़क पे बैठ के सोडियम लैंप उस वक्त नया नया लगा था, हम पार्षद से हमारे मोहल्ले की पर्ची नहीं बांटी थी तो बैठ के पर्ची लिख के बांटते थे। झंडा बैनर सब हम लोग, अब फ्लैक्स नहीं था उस वक्त, हाथ से लोग लिखते थे फिर उसको टंगवाया जाता था। बहरहाल बड़ा संघर्ष किया गया, और हमारे साथ के बहुत से लोग डॉक्टर पूर्णमासी देहातियों भी लोग बंधु राज नारायण जी के ही शागिर्दों में से थे, और हमारे साथ थे वो भी कई बार के विधायक खड्डा और रामकुल्ला से हुए। तो बहुत से साथी हमारे लेटेस्ट, अभी बीजेपी में भी एक आदमी विधायक हैं जो समाजवादी रहे हैं, अब भी उनका विचार समाजवादी है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि वो लोग ऐसी जगह जाना पड़ा, वहाँ से विधायक हो गए। अब रहा सवाल ये कि एक लंबे संघर्ष के बाद हम 91 में चुनाव लड़े जनता दल से, वहाँ से हुआ कि भाई शहर से लड़ाना है मुस्लिम्स को, मुसलमान लड़ाया जाए एक सीट पे, तो वो हमको तय किया गया। और टिकट बाकायदा गोरखपुर आया था कि भाई गोरखपुर में कौन संघर्षशील है मुसलमान, तो उसमें हमारा नाम दिया, और उसमें जो है फिर हमको टिकट मिला, हम चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पे रहे शिव प्रताप शुक्ला जी, फिर मिनिस्टर हुए 91 ही में। तो एक फिर हम 1995 में महानगर के अध्यक्ष हुए, और हमको याद है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष होने के बाद 31 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में। वैसे भी शहरों में बीजेपी का कब्जा रहता था, गोरखपुर तो गढ़ माना जाता था, लेकिन हमने बीजेपी के खिलाफ इतना आंदोलन चलाया था कि उसके बाद जब चुनाव हुआ तो बीजेपी 31 सीट से 9 सीट हो गई, हम 9 से 11 हुए, लेकिन हमको तो फ़ायदा नहीं मिला। लोग साइकिल को वोट शहर में तब देना नहीं चाहते थे, लेकिन उससे फ़ायदा निर्दल को बहुत हुआ था जब बीजेपी 31 से 9 सीट हो गई थी। मेयर उनका जीता था लेकिन बोर्ड उनका नहीं बन पाया था। वो हमारे लंबा संघर्ष रहा, और वो सब दिन आज याद करते हैं। आज तो किराए पे झंडे लग रहे हैं, किराए पे मंच बन रहा है, तब मंच भी हम बनवाते थे, जितने लीडर आते थे बड़े सबका मंच भी दो दो तीन तीन दिन लग जाता था मंच बनवाने में। और अब थोड़ा सा जो आज की राजनीति है उसको देख के पुरानी बातें याद आती हैं, और आज आपने इंटरव्यू लेके वो उन पुरानी बातों को याद दिला दिया, इसलिए मैंने जिक्र कर नहीं, नहीं जिक्र करने की ज़रूरत है, सब जानना चाहते हैं। 36 साल का संघर्ष छोटा नहीं होता। हम तो आपसे बता दे रहे हैं, लेकिन कोई और नेता अगर हमारा इस तरह से होगा तो शायद उसको शर्म लगेगी बताने में, लेकिन हम इसको गर्व से आपको बता रहे हैं कि ये करके हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और MLA MP होना कोई बड़ी बात मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि हम लोग महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलें और उससे नसीहत लेना चाहिए। महात्मा गांधी जी लीडर थे, MP MLA नहीं थे। लीडर होना बड़ा मुश्किल होता है, MP MLA होना बहुत आसान है आज की डेट में।
पास दौलत है, पैसा है, जाति समीकरण पे तमाम चुनाव लोग लड़ते हैं और MLA हो जाते हैं, लेकिन समाज के अंदर नेता बनना एक बड़ा मुश्किल काम है। हमारे नेताजी को देख लिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। वो उनका संघर्ष रहा है, समाज के हर वर्गों के लिए लड़े और उस मुकाम तक पहुँचे एक अध्यापक से। तो ये सबको नसीहत है इस बात की, लोग कुछ ना कुछ बनना ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। समाज की सेवा करके अगर आप समाज में लीडर बन जाते हैं वो सबसे कीमती चीज़ होती है। और हमको इस बात की खुशी है कि गोरखपुर में ही नहीं, पूर्वांचल में लोग हमको लीडर मानते हैं और वो हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी। जफर जी, इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता है कि किस तरह से चाहे पार्टी की नीति बने, पार्टी किसे टिकट देना चाहती है, एक बार ज़रूर आपसे मशवरा, आपके अगर क्षेत्र में हो रहा है पूर्वांचल में तो ज़रूर ये लिया जाता है। आप प्रवक्ता भी रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि आप दो बार चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, इस बार कहाँ से हुंकार भर रहे हैं? देखिए, हमने खलीलाबाद के लिए कहा है कि खलीलाबाद से चुनाव लड़ेंगे, अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा वही हमको करना है, वरना हमारा सीधा मकसद है सरकार बनाने का। उसके लिए हमारी मेहनत पिछले 2 साल से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आपने टिकट की यहाँ तक बात कहा कि पूर्वांचल में राय लेने की, तो अभी मौसम नहीं है कि हम आपसे कह दें कि नहीं हमसे राय लिया जाता है, नहीं तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से हम मौका मिलता है तो सुझाव देते हैं। ये आप घुमा रहे हैं, आप आजम खान जी के कितने करीबी रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। चाहे मेरे सामने माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के फोटो के साथ किस तरह से दोनों लोग बात कर रहे हैं, फोटो मेरे सामने लगा हुआ है, तो आप कितने करीबी रहे हैं। आजम खान जी ने पूरा समय पार्टी के लिए लगा दिया, हक हुकूक की लड़ाई हो समाजवादी पार्टी के लिए, या ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री भले अखिलेश यादव थे या मुलायम सिंह यादव थे, जब कोई बड़ा फैसला लिया जाता था तो एक बार आजम खान जी से सलाह मशवरा होता था, और कोई भी बड़ी पार्टी का एक बड़ा फैसला हो आजम खान जी लेते थे और बड़ा सहयोग समाजवादी पार्टी को सींचने का काम किया। आपकी पार्टी आजम खान जी के लिए क्या कर रही है, आज जेलों में है वो? देखिए, आजम साहब के लिए हमारी पार्टी वो सब कुछ कर रही है जो करना चाहिए। एक मिसाल हम दे रहे हैं कि लोग कहते हैं कि साहब धरना प्रदर्शन नहीं किया, धरना प्रदर्शन हुआ है। अगर 10 मुद्दों पे धरना प्रदर्शन हुआ पार्टी का, तो उसमें एक मुद्दा आजम साहब के साथ नाइंसाफी और उनको फर्जी मुकदमा लगा के जेल के अंदर डाल देना पूरे परिवार को, ये भी मुद्दा सबने रहा जितने भी आंदोलन में। लेकिन अलग से सिर्फ आजम साहब के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, ये दूसरे लोग विपक्ष के इसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज का जो दौर है और जिस तरह की सरकार चल रही है वो कुछ छोड़ने वाली नहीं है। आपने देखा अभी किसानों के मुद्दे पे गृह राज्य मंत्री कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं, ये सबके सामने है। उन्होंने कहा कि तलवार लेके किसानों ने हमला किया, हमारे पास वीडियो है। आज सारे वीडियो सामने आ गए कि उन्हीं की गाड़ी से रौंदा गया, कोई तलवार नहीं है, कुछ नहीं है। आपके चैनल से भी हम मांग करेंगे कि मंत्री जी को, अजय मिश्रा जी को वो सार्वजनिक करना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि आप बड़े ईमानदार हैं तो, या आपका बेटा नहीं है तो आपने ऐलान किया है कि वीडियो हमारे पास है, वीडियो दिखाएं। किसानों के पास जो वीडियो थी वो वीडियो सामने आ गई है कि सीधे सीधे गाड़ी चढ़ाया है, उनकी गाड़ी पे कोई हमला नहीं हुआ था। तो रहा सवाल कि आजम साहब का जहाँ तक तल्लुक है, उनकी पत्नी तजीन फातिमा साहबा छूटी और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारा ये कहना है कि हमने जो किया है हम उसको जताएंगे नहीं, हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव साहब जताएंगे नहीं। आजम साहब ने समाजवादी पार्टी के लिए जितना कुछ किया है, हम उनके लिए कुछ भी कर दें वो कम है। और आजम साहब जब जेल से छूटेंगे तो वो खुद ब खुद बता देंगे कि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए क्या छूटेंगे। अभी तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। देखिए, अब आजम साहब अगर जेल में रहेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो हैदराबादी मिसाइल है उसको इस्तेमाल करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में रखेगी, ये हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए कि सारे में बिल हो चुकी है, उनके लड़के की सब में बिल हो चुकी, उनकी बिल एक दो बची है,
लेकिन सरकार बहुत परेशान है कि उसको अपना हैदराबादी मिसाइल इस्तेमाल करना है। अगर आजम साहब छूट जाएंगे तो हैदराबादी मिसाइल जो है वो फुस हो जाएगा, ये है मसला। योगी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब हम 2017 आए तो इस सरकार ने बदहाल यूपी दिया था, गड्ढा युक्त सड़कें दी थी, भ्रष्टाचार युक्त सड़क यूपी दिया था, दंगा युक्त गड्ढा युक्त, मतलब कि अगर यूपी में कोई आता था, मतलब किसी और राज्य से अगर जैसे ही आता था अंधेरा दिखता था, गड्ढा युक्त रोड दिखते थे तो लोग कहते थे बिना देखे ही अब हम यूपी में आ गए। योगी जी ने कहा कि हमने जितने 75 जिले हैं वहाँ हमने अगर वो जिला मुख्यालय है तो वहाँ 24 घंटे की व्यवस्था की, तहसील मुख्यालय पे हमने 19 से 20 घंटे की व्यवस्था की और ग्रामीण में हमने 18 घंटे की बिजली की व्यवस्था की। मतलब आपने बदहाल यूपी बीजेपी को सौंप दिया था, आप लोगों ने कोई विकास नहीं हुआ था, ऐसा उनका कहना था। देखिए बिजली की जहाँ तक बात कर रहे हैं, कोई बिजली का एक पावर प्लांट उन्होंने 4.5 साल में नहीं लगाया। जो पावर प्लांट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाया था, वही पावर प्लांट से आज बिजली सप्लाई हो रही, वो हमारी ही सरकार में सप्लाई हो रही थी, वही कंटिन्यू है आज इनकी सरकार में सप्लाई हो रही है। हाँ ये ज़रूर है कि शुरू का 2 साल माननीय अखिलेश यादव साहब ने उस पर काम करना शुरू किया और 2 साल के बाद से फिर आखिरी 3 साल में इतना काम कर दिया जिससे लाइट है। हम आपके गड्ढा की बात कर रहे हैं तो गड्ढा पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी सफाई नहीं दे सकते। उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त कर दिया है, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगले महीने में शुरू हो जाएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। अब आप वो भी सुन लीजिए, 23 महीने में बना दिया लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे कह के 22 महीने, हाँ 22-23 महीने में बना दिया, लड़ाकू विमान उस पर उतर गया, इनके भी गवर्नमेंट में उस पर लड़ाकू विमान उतारना पड़ा, वो सड़क आज तक कोई सही है। जो समाजवादी एक्सप्रेसवे लखनऊ से बलिया तक हम लोग बना रहे थे उसको इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम बदल दिया और अभी जो एक्सप्रेसवे बनी है आप ही लोगों ने दिखाया है कि पूरी पूरी सड़कें धंस गई हैं, यानी जो बच्चों के खेलने का ड्रोन है वो उस पर उतारा जाए तो सड़क धंस जाएगी, इस तरह की सड़क बनी है। जहाँ तक उन्होंने विकास की बात किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हम डंके की चोट पे कहते हैं वो ना जवाब दें, गोरखपुर के हम उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहेंगे लेकिन उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो जवाब दे दें, कोई एक शिलान्यास जो उन्होंने 4.5 साल में किसी परियोजना का, बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया हो उसका उद्घाटन आज तक कर पाए, कोई उद्घाटन नहीं। जितना माननीय अखिलेश यादव साहब ने विकास किया था उनके पीरियड में 25% 20% 10% काम बचा था और वो उद्घाटन नहीं कर पाए थे, उस उद्घाटन को इन्होंने किया, जिसका शिलान्यास हो चुका था समाजवादी एक्सप्रेसवे का उसका नाम बदल के उसका शिलान्यास पे शिलान्यास कर दिया, उद्घाटन पे उद्घाटन कर दिया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप गोरखपुर में ले लीजिए, चिड़ियाघर है, एक मिनट रोकेंगे आपको, चिड़ियाघर का अगर देखा जाए तो उसकी जो नींव रखने का काम बसपा सरकार ने किया, आपकी सरकार में बस प्रोजेक्ट मैनेजर बदलते गए, प्रोजेक्ट मैनेजर पे मैनेजर, लेकिन अगर मूर्ति रूप लिया तो वो योगी के सरकार में लिया। योगी जी का कहना है कि बीजेपी का कहना है कि उन्होंने 4 विश्वविद्यालय दे दिए, नौका विहार को आज नौका विहार कर दिया, आपकी सरकार केवल प्रोजेक्ट मैनेजर बदलती रही। देखिए ये कहने वाली बात है, अब आप सुन लीजिए, ये सही है कि बहुजन समाज पार्टी ने उसकी बुनियाद रखा लेकिन आपने देखा होगा कि पूरी बाउंड्री जो है वो हमारी सरकार में बन चुकी थी 75%। ये कहना कि प्रोजेक्ट मैनेजर बदला गया ये गलत है, ये भारतीय जनता पार्टी किसी सिरे को अपने सर लेने के चक्कर में इस तरह का झूठ बोल रही। रामगढ़ ताल का आप ले लीजिए, नौका विहार का ले लीजिए, आपने देखा होगा 1.5 साल तक पूरा जलकुंभी की सफाई और पूरा टीका जलकुंभी को साफ करने का, उसको उसका सौंदर्यीकरण करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हो गया था और वो पैसा भी अलर्ट हो गया था। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है, कोई नया काम किया हो बताइए। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का जो हॉस्पिटल था कोविड हॉस्पिटल नहीं था, वो तो बच्चों के बेड के लिए बेड का 500 बेड का हॉस्पिटल था, उसको इन्होंने
कोविड में भी इस्तेमाल कर लिया होता तो बड़ा अच्छा होता। इन्होंने लास्ट टाइम में उसको उसका इस्तेमाल किया है कोविड में, वो हमारे पीरियड में बना हुआ। आपको मैं बता दूँ, और ये जीती जागती मिसाल, तकलीफ होती है, दर्द होता है। कोबाल्ट मशीन मेडिकल कॉलेज में कैंसर का एक एक आदमी की सिकैया के लिए प्राइवेट कैंसर संस्थान 10,000 रुपया 8,000 रुपया कैंसर को ले, लोगों के मकान बिक जाते थे। और आए उसी 500 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, तो वहाँ हम लोगों ने कहा कि कोबाल्ट मशीन दे दीजिए। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई रखी है जिसकी दीवारें 4-4 फीट चौड़ी हैं और वो एकदम कंक्रीट की दीवारें हैं आयरन जैसे, क्योंकि उसमें से रेज ना निकले। उसमें कोबाल्ट मशीन लगनी थी और 15 साल से बन के वो पड़ा हुआ था, उसको पूरा करवाया गया। हम लोगों ने कोबाल्ट मशीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, आज जाके देख लीजिए कोबाल्ट मशीन की क्या पोजीशन है। मेडिकल कॉलेज का जो कैंसर संस्थान है, आपको उसको डेवलप करना चाहिए। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार हॉस्पिटल को आप 7-8 करोड़ रुपया दे रहे हैं और वो पैसा तो खींचने का काम करते हैं, लूटते हैं ये ऐसे लोग, चाहे वो चतुर्वेदी हों चाहे ये हनुमान प्रसाद पोद्दार। आप प्राइवेट संस्थाओं को आप गवर्नमेंट का 8 करोड़ रुपया दे रहे हैं और वहीं आप मेडिकल कॉलेज में जो कैंसर हॉस्पिटल है उसको आप कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, वहाँ जो मशीन है वहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं मशीन चलाने के लिए। ये हालात हैं, ये दिल का दर्द हम आपको बता रहे हैं। इसलिए कि कैंसर जैसी बीमारी से लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, मकानात बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, और बिकवाने वाले कौन लोग हैं? हनुमान प्रसाद पोद्दार और चतुर्वेदी संस्थान। और उन दोनों को ही आप अगर पैसा देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, मेडिकल कॉलेज के कैंसर हॉस्पिटल को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो बड़ा दुख का विषय। जफर जी, आपने कोविड में मदद की, खैर आपकी एक उम्र मेरे हिसाब से 50 से अब होगी जी, तो आपने मदद की अपने लोगों के मदद से जिसकी मदद आप कर सकते थे कोविड के दौर में। लेकिन सरकार का ये कहना है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आराम से नहा धो के आते थे 11 बजे और ट्वीट कर देते थे, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ और वो वहाँ नहीं गए, कार्यकर्ता तो लगे हुए थे लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे कोविड में वो दिखे नहीं। दूसरी चीज़ कि उन्होंने भ्रम फैलाया कि ये मोदी वैक्सीन है और अपने अब्बाजान को टीका लगवा लिया, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना था। देखिए, उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि फ्री में टीका लगाए, आज आप उस पर आ गए जो उन्होंने कल को कहा था। नहीं, उन्होंने मोदी वैक्सीन कहा, मोदी वैक्सीन कहा था और उसी के साथ ये मांग किया था कि आप फ्री में टीका लगवाइए। मोदी वैक्सीन उन्होंने इसलिए कहा था कि ये प्रचार ज़्यादा करते हैं और लोगों से पैसा भी ऐंठ लेते हैं, तो आप फ्री में लगवाइए, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम नहीं लगवाएंगे, इसलिए मोदी वैक्सीन का। अब ये बताइए, एक बाढ़ पीड़ित का सामान दे रहे हैं, एक बोरिए पे मोदी जी छप के पानी में बह रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर करके बोरी फेंक रहे हैं, योगी जी की फोटो लग रही है, तो इस स्तर पे वो अपना प्रचार करते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा था। और जहाँ तक कोविड के ट्वीट की बात आप कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र से लेबर निकले थे जिनके पैर में छाले पड़ गए थे, जो लोग सफ़र कर रहे थे इससे उससे, उनका परिवार सड़क पर आके लोगों की मदद किया था। डिम्पल यादव जी ने सड़क पर आके मदद किया था उनके परिवार के, और उनका निर्देश था गांव-गांव में सड़कों पे हर जगह सिर्फ लाल टोपी वाले मदद करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी और हम मदद भी कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा भी खूब लिखा गया। गरीबों की मदद भी नहीं कर सकते थे जो लोग 1,500-2,000 किलोमीटर का सफ़र करके आए, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत मेहनत की। ऐसा कहा गया कि विपक्ष नगण्य था, कांग्रेस बीजेपी के ही दो, एक सांसद और ब्रिजेश पाठक, दो लोगों ने अपने ही सरकार के खिलाफ मुहिम उठा रखी थी, विरोध कर रहे थे सरकार के खिलाफ, यानी कि विपक्ष की भी भूमिका उन्हीं के सरकार के दो, एक सांसद और एक विधायक कर रहे थे, विपक्ष पूरी तरह से नगण्य था, ऐसा आरोप था कि विपक्ष पूरे कोविड में कहीं दिखा नहीं। देखिए, विपक्ष ही दिखा, इनके लोग खुद, इनके विधायक, कई कई विधायक सामने आके कहे, किसी का भाई मर गया, अभी एक विधायक उनका बेटा मरा, वो सरकार को कोस रहे हैं, उन्होंने मुकदमा भी कायम किया हुआ है, ये सब चीज़ें आँख के सामने, कहने वाली बात नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पे देख लीजिए, बीजेपी की राजनीति के बारे में बता दें, इन्होंने कोविड में हाहाकार मचा हुआ था, ब्लॉकों पर जितने भी हॉस्पिटल रहे सब, ना दवा थी ना इलाज था ना ऑक्सीजन था, कुछ नहीं था।
तो किसी मंत्री की ड्यूटी किसी ब्लॉक पे नहीं लगाया इन्होंने कि साहब इस ब्लॉक पे रहे और यहाँ के सारे हॉस्पिटल और लोगों की व्यवस्था देते, किसी मंत्री की। और चुनाव आया तो क्या हुआ, ब्लॉक पे जितने चुनाव हुए हर ब्लॉक पे एक मंत्री की ड्यूटी लगाई गई कि चुनाव आपको कराना है। जब लोग मर रहे थे उनकी ज़िंदगी के लिए ड्यूटी नहीं लगाया इन्होंने। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ले लीजिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ले लीजिए, तो चुनाव के लिए तो मंत्री की ड्यूटी लग गई और लोगों की जान जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवा नहीं मिल रही थी, डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, उसके लिए इन्होंने कोई ड्यूटी नहीं लगाई। तो ये जनता के दुश्मन है और सिर्फ कुर्सी के लालची। आप कह रहे हैं कि जान जा रही थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, दवाओं की व्यवस्था नहीं थी, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं और मोदी जी केंद्र से ये आवाज़ आती है और राज्य से भी आवाज़ आती है कि ऑस्ट्रेलिया में एक मंत्री ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने यूपी मॉडल को सराहा है और वहाँ के एक मंत्री ने कहा कि अगर योगी जी की ज़रूरत ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब कि जिस तरह से कोरोना पर काबू पाया और जिस तरह से यूपी मॉडल अपनाया यूपी की सरकार, आप कह रहे हैं कोई व्यवस्था ही नहीं। अच्छा अब आप बता दीजिए हमको कि कोई एक ऑस्ट्रेलिया का ये हवाला देते हैं, समाचार पत्र बड़ा अच्छा है, बड़ा किरदार वाले समाचार पत्र हैं। अभी आपने देखा होगा कि शंकराचार्य जी आए थे दिग्विजय नाथ जी के मूर्ति के अनावरण, और उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि सरकार के बारे में हम क्या बताएं, क्रिटिसाइज किया था और ये कहा था कि संस्कृत का जितना विकास मुलायम सिंह यादव ने किया अभी तक किसी ने किया, और जो कुछ आज संस्कृत का डेवलपमेंट है वो सब जो है मुलायम सिंह यादव साहब की देन। गोरखपुर के किसी अखबार में एक लाइन देखा गया प्रमुखता से कि इतनी बड़ी बात को कि मंच मुख्यमंत्री जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है और दिग्विजय नाथ जी की मूर्ति का अनावरण है, और उस मंच से एक शंकराचार्य साहब इस तरह का बयान दिए और प्रमुखता से नहीं छपा। तो हमको ये अखबारी बयान और आज का पे चर्चा नहीं करना है, हम प्रैक्टिकल जो ज़मीन पर है वो ये हम जानते हैं कि कोई ऐसा गांव नहीं हुआ बचा होगा जहां से एक दर्जन से लेके कम से कम 3 दर्जन तक और 100 अदद तक लोग कोविड से सांस ना ले पाने की वजह से मर गए हैं गांव में। और ये छोड़ दीजिए आप, बड़ा अच्छा इंतजाम लकड़ी का तो इंतज़ाम गंगा के किनारे कर नहीं पाए, हजारों लाशें जो है गंगा में बही, किसी मुसलमान की लाशें थी क्या? लकड़ी हमारे वहाँ भी लगती है, पटरा लगा के जब दफन किया था तो पटरा लगाया जाता, लेकिन हमारे घर की कोई लाश नदी में के किनारे नहीं लगी, किसी जानवर को कुत्ते ने नहीं खाया, इस तरह की बेहुरमती इंसानियत की कभी हिंदुस्तान ने नहीं देखा। नदी के किनारे दफन कर दिया आपने और रामनामी कफन अगर ऊपर से डाल दिया गया तो उसको भी आपने नोच लिया, इसका जवाब है क्या? क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ झूठ, सिर्फ प्रोपेगेंडा और अपना हथियार बना लिया है, बनाने की का पूरा प्रयास कर रहे हैं मीडिया को, और वो समय आएगा आप देखते जाइए। अभी देखिए बेचारा एक पत्रकार भी उसमें शहीद हो गया वहाँ किसान लखीमपुर खीरी की घटना में, और किस तरह की एक दो पेपरों में हेडिंग आई कि आज इंसानियत कराह रही है। और हम ये समझते हैं कि अभी समय है। जफर जी, जैसे ही आपने ये ऐलान किया कि हम संत कबीर नगर से चुनाव लड़ेंगे, बसपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार आफ्ताब आलम को टिकट दे दिया, आप मुस्लिम के बड़े नेता हैं अगर इस क्षेत्र का माना जाए, क्या लगता है ओवैसी के आने से उन्होंने कहा कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे और उन्होंने एक आरोप लगा दिया कि हमेशा मुसलमान सरकार बनाने का काम किया है, 19% हम हैं, 9% वाला जब मुख्यमंत्री बन सकता है, 9 मतलब कि आपके मुख्यमंत्री यादव पर उन्होंने कहा कि 9% वाला अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% वाला क्यों नहीं। एम और वाई की बात करते हैं अखिलेश यादव, जब एम वाई को वोट दे देता है तो सत्ता में आने के बाद वो एम को भूल जाते हैं यानी मुस्लिम को भूल जाते हैं, वाई पर ध्यान देते हैं, क्या लगता है ओवैसी जी के आने से मुसलमान किधर जाएगा? देखिए ओवैसी साहब की जहाँ तक बात है, आजम साहब की सिक्योरिटी फर्जी मुकदमा कायम होने के पहले वाई प्लस की सिक्योरिटी हटा ली गई,
माननीय अखिलेश यादव साहब की जेड प्लस की सिक्योरिटी हटा ली गई। बहराइच में जब आते हैं, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर वो उतरेंगे प्लेन से तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, और जब वो निकलते हैं बाहर तो इस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है जैसे लगता है कि अमेरिका का विदेश मंत्री आ गया उत्तर प्रदेश में। ठीक, क्यों? मुख्यमंत्री की मांग करते हैं वैसी साहब, उत्तर प्रदेश में आते हैं कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश 9% वाला मुख्यमंत्री पर 19% बता तो रहे हैं, वो आप ही के सवाल, आप ही के तो समाज की बात। हाँ हाँ, हमारे समाज की बात कर रहे हैं, तो हमेशा किसी समाज में आप देखते नहीं विस्फोट उस्फोट होता है, उसी समाज का आदमी घुस के विस्फोट करता है, बाद में पता चलता है कि वो तो बिका हुआ था अपने बदन में बम बांध के, और उसी समाज में जाके अपने समाज में विस्फोट कर दिया, ऐसा भी देखने में आया, दुनिया का इतिहास रहा। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान हो, बहुत अच्छी बात है। TRS से मिल के सरकार उन्होंने बनाया, पहले मिल के चुनाव लड़े, सरकार बनाया, 9 सीट से ज़्यादा नहीं लड़ सकते। तेलंगाना के मुसलमानों ने कह दिया है कि 9 से ज़्यादा लड़ोगे अगर तो हम पार्लियामेंट तुमको हरा देंगे, तुमको हम किसी की मदद नहीं करने देंगे। 9 सीट लड़े, 7 MLA उनके, चुनाव मिल के लड़े, सरकार में शामिल हैं, अपने भाई को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? तो वहाँ सीटें भी तो कम है, 403 सीटें हैं। अरे भाई, इनकी कैसी इनकी कैसी सीटें की मांग कर रहे हैं? इनकी कैसी सीटें तो दिया भाई, इनकी कैसी सीटें की मांग कर रहे हैं? कहा कि सबसे ज्यादा मुस्लिमों के हक और हुकूक की बात, उनकी सीट है, 7 सीट उनकी है ना, 9 लड़े, 7 सीट है, अपने भाई को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, यहाँ तो उनकी एक भी सीट नहीं, यहाँ किस बात पर मांग कर रहे हैं वो? उनकी सीटें हो, जफर जी, उनकी रैलियों में भीड़ हो रही है, जबरदस्त मुस्लिम युवा जा रहा है, मुस्लिम किधर जाएगा, सपा की तरफ जाएगा, बसपा की तरफ जाएगा, या ओवैसी की तरफ जाएगा? देखिए, मुसलमान बिहार की तरह नहीं जाएगा, मुसलमान बंगाल की तरह जाएगा, और हैसियत आप इस चुनाव में देख लीजिएगा। हम एक सवाल रखना चाहते हैं आपके माध्यम से, मक्का मस्जिद में विस्फोट हुआ था, वहाँ 9 लड़के मुसलमान गिरफ्तार हुए, 6 की 4 सीट लगाई गई, समझ रहे हैं? और ये हैदराबाद के MP रहे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस को ये सपोर्ट करते रहे, लेकिन इन्होंने उन लड़कों के लिए कुछ नहीं किया, बेकसूर लड़के गए जेल में, बाद में पता चला कि हिंदूवादी संगठन है, प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित का, और इस संगठन ने किया है, ये बात जब स्पष्ट हो गई, वो लड़के लड़कों को छूटना चाहिए, उनकी वकालत इन्होंने नहीं किया, बाहरी लोगों ने उन लड़कों की मदद करके छुड़ाया। आपका भाई हेट स्पीच देने में, नफरत की स्पीच देने में अगर 4 दिन जेल में रहा तो आप बैरिस्टर होकर कचहरी खुलने के पहले गेट पर खड़े हो जाते थे अपने भाई को छुड़ाने के लिए, और बेकसूर 6 मुस्लिम लड़के जो बेकसूर बंद थे सालों से और उनको छूटना था, उनके लिए आप कभी आपने कोई मदद नहीं किया। मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। ये तो आपके पार्टी के साथ भी, आजम खान जी के साथ कितनी आपकी पार्टी चली, तो कैसे उनकी पत्नी छूटी है और क्यों उनके खिलाफ में बयान आ जा रहा है? कह तो रही है कि समाजवादी पार्टी ने पूरी मदद किया, और आजम साहब निकलेंगे वो भी जो कहेंगे, फिर से दोबारा मुस्लिम किधर जाए? आप बड़े नेता माने जाते हैं, मुसलमान जैसे बंगाल में दीदी के साथ गया है वैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान गए। केशव प्रसाद और मुसलमान ही की बात नहीं है, मुसलमान अब हिंदू भाई के साथ जाएगा, ये भी बात है। हम कहीं आप देखिए 4.5 साल मुसलमान चुप है, आप एक मामूली रिक्शे वाले को आप मरवा रहे हैं, सरकार पर आयोजित है, मरवा रहे हैं थप्पड़ थप्पड़, 6 साल की बच्ची हाथ पकड़ रही है, हमारे अब्बा को छोड़ दो, जय श्री राम कहो, ये कहो, वो कहो, पुलिस मौजूद है, आप बुरी तरह से मरवा रहे हैं, वायरल करा रहे हैं वीडियो, क्यों? कि मुसलमान सड़क पर आ जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी उसका फ़ायदा उठा ले। 4.5 साल मुसलमान नहीं निकला अपने घरों से, कोई भी जुल्म करेंगे, अगले 6 महीना मुसलमान नहीं निकलेगा, और ताकि ये जिन लोगों ने सरकार बनाया है वही लोग सरकार को हटाने जा रहे हैं, वो नौजवान बेरोजगार है, उसके पास कुछ नहीं बचा है, समझ गए, वो सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है, अपने बच्चों को 1-2 टाइम का खाना नहीं खिला पा रहा है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है। और हमने बहुत पहले एक शेर लिखा था, 1 साल पहले, वो शेर हम बता देना चाहते हैं कि जिसने बनाया है सरकार वही हटाएगा, वही उसका इलाज जानता है, कि नारे इनकलाब
इसी शहर से ही निकलेगा। गोरखपुर से नारे इनकलाब इसी शहर से ही निकलेगा, और इलाज जहर का तो जहर से ही निकलेगा। क्या बात। तो इसी सरजमीन से इनकलाब उठेगा और उठ गया है। और ये आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कौड़ी राम गए थे बाढ़ पीड़ितों का एक स्कूल में करने के लिए, बेरोजगार नौजवान चिल्ला रहे थे कि कब भर्तिया हुई। एक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 4 लाख अभी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे टीचरों का, हमने नौकरियां दी हैं। अरे भाई, पेपर में विज्ञापन देखिए। अच्छा ये बताइए, ये तो विज्ञापन से घोटाला करते हैं ये लोग, पूछिए कैसे। 251 रुपये का एक स्कीम आई थी जिसमें ये स्मार्टफोन दे रहे थे, उसमें मोदी जी की फोटो लगी हुई थी, फ्रीडम नाम था उसका, उस स्कीम का। और 251 रुपया पूरे देश से इन्होंने ले लिया, उस ना मोबाइल का पता है ना उसका पता, वो पैसे का हिसाब कौन देगा। प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी थी। आप विपक्ष हैं, आवाज उठाइए, विपक्ष को क्यों छुए। लोकतंत्र की कोख से विपक्ष भी जन्म लेता है, पक्ष भी जन्म लेता है, वही वोटर पक्ष को भी चुनता है, विपक्ष को भी चुनता है, तो लोकतंत्र है आवाज उठाने का। और समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, मुखर होकर उठाइए। तो यही तो आवाज उठा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा। आपसे हम जो बता रहे हैं वो सारा घोटाला, वो पैसा बतावे ना मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, वो पैसा जनता का क्यों नहीं वापस हो रहा है। कई हजार करोड़ रुपया उसमें आपने गबन किया, जो पैसा लिया आपने वो पैसा वापस क्यों नहीं किया, लोग भूल गए 251 दे के। सरकार कह रही है आपने खुद भ्रष्टाचार किया, गोमती रिवर फ्रंट आपने बनाया, भ्रष्टाचार के मुख में वो गोमती रिवर फ्रंट चला गया। गोमती रिवर फ्रंट हमने जब बनाया तो वहाँ हजारों की भीड़ लगी रहती थी, और इतना साफ लोग घूमने जाते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, लोग वहाँ घूमने जाते थे। आज वहाँ पूरी जलकुंभी है और गंदगी का अंबार है। मुख्यमंत्री जी पहले उसकी सफाई करावें, तब गोमती रिवर फ्रंट की बात करें। हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, 40 साल का अनुभव और क्यों आपको समाजवादी पार्टी ने प्रवक्ता बनाया, अब समझ में आ रहा है, घुमा ले जा रहे हैं क्वेश्चन को, सीधा जवाब भी याद दे रहे हैं, नहीं सीधे दे रहे हैं जवाब। हम मतलब किस तरह से आप मतलब क्वेश्चन को घुमा भी रहे हैं और सीधा जवाब भी दे रहे हैं। मैं आता हूँ कि आपके अखिलेश मतलब कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं, 300 सीटें वो छोड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए, जैसे बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपके लिए 3 सीटें 4 सीटें छोड़ी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा एक मेन स्ट्रीम मीडिया के इंटरव्यू में कि 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा, यानी वो 60 पा रहे हैं, 40 जो बच रहा है उसमें भी आधा पा रहे हैं, आप कहाँ हैं। अब किसने कहा इस बात, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है वो। एक वर्चुअल प्रोग्राम मोदी जी का है, उसमें सीएम साहब बैठे हैं कुर्सी पर, बगल में एक डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं, ठीक, और बीच में इन स्टूल पे बैठे हुए हैं, उनके बयान की बात कर रहे हैं आप। पहले तो उनको बयान देने से पहले मुख्यमंत्री जी और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके बराबर में आना चाहिए, तब इस तरह का बयान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात आज हम आपके भी चैनल पर कहना चाहते हैं, और ये आवाज़ हम ही ने उठाई, अभी आपने सुनी नहीं होगी, मैं एक आध चैनल पर बोला हूँ और आपसे बोल रहा हूँ कि हमारे अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ये ऐलान है, खुला ऐलान है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है, 323 या 325 सीट उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर, इतनी बड़ी ताकत है, बहुमत की ताकत है। हम अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती कि हम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाना उनको योगी आदित्यनाथ? कह तो रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर जाएंगे यूपी में चुनाव लड़ने ना, इनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ये कहा उन्होंने। आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री वो बीजेपी उन्हें नहीं बनाएगी अगर वो जीतेगी? अरे भाई, अब जो केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान आ रहा है कि चुनाव के बाद तय होगा, एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही तय होना है, तो अब आप बताइए कि ये जवाब जब बीजेपी नहीं दे पा रही है,
अब हम ही नहीं कहते कि बीजेपी के अंदर बहुत बवाल है, लोग जानबूझ के स्टूल पे पिछड़ी जात के लोगों को बैठा दे रहे हैं, हम ये सब नहीं कहना चाहते हैं आप, लेकिन बात क्या है, सब तो कह रहे हैं, नहीं नहीं ये बात क्लियर होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी हुए, आपके का नाम है गृह मंत्री जी हुए, हर चुनाव में गृह मंत्री जी आते हैं और कमान हाथ में ले लेते हैं, कमान ले क्यों नहीं रहे। अच्छा, योगी जी ने कहा, और खास करके बीजेपी की सरकार जो इस समय मौजूद वर्तमान में है, योगी जी ने कहा कि हमारे यहाँ लाइन आर्डर एक नंबर में है, या तो अपराधी यूपी छोड़ के चले जा रहे हैं या तो तख्ते में ये लिख कर ला रहे हैं कि हमें जेलों में कैद कर दिया जाए, लाइन आर्डर एक नंबर पे। अभी आज के एक न्यूज़ में है, कोई पंकज राय साहब हम नहीं जानते, उनका कोतवाली में हिस्ट्री शीट का मामला आया है, वो अखबारों में भी आया है, उनका हिस्ट्री शीटर में नाम है लेकिन उनका जो ऑफिशियल काम होता है, ऊपर भेजना रहता है, घोषित करना रहता है, उनका नहीं हुआ। तो अब क्या हिस्ट्री शीटरों को भी सरकार जो है चेहरा देख के, जात देख के, धर्म देख के उसको उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ऐसा लगा। जहाँ तक बात आपने अपराध मुक्त की बात किया, एक सवाल उत्तर प्रदेश के सरकार के सामने हम छोड़ना चाहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया, अपराधी डर के मारे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जा रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूँ कि अगर 100 पॉकेटमार चोर अपराधी छोटे मोटे गुनाहगार अगर पकड़े गए हैं तो सबने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया, आप उठा के देख लीजिए, इनकाउंटर भी तो हुआ है भाई, हम ही कह रहे कि फायरिंग किया है तो पुलिस ने कहीं घायल करके पकड़ लिया, कहीं गर्दन पकड़ के पकड़ लिया, कहीं जंघिया पकड़ के खींच के पकड़ लिया, मगर मुठभेड़ में पकड़ा, और मुठभेड़ में जो पुलिस की रिपोर्ट है कि इन्होंने फायर किया, यानी पॉकेटमार शहर का जिले का फायर कर दे रहा है पुलिस पे, चोर मामूली किस्म का वो फायर कर दे रहा है, तब उसको पुलिस पकड़ पा रही है। अब आप बताइए पुलिस बड़ी है कि चोर पॉकेटमार अपराधी बड़ा है, जब पुलिस खुद ही कह रही है 90% के हिसाब देख ली, जितनी भी मुठभेड़ हुई है और कोई भी पकड़ा गया उसने पुलिस पे फायर किया, यानी कि किसी के दिल में पुलिस का खौफ नहीं है, जो चाहता है पुलिस के ऊपर फायर कर देता है, यही है। आपने कहा कि आपकी सरकार ने खूब विकास किया है और ये सरकार शिलान्यास, अखिलेश यादव जी ने कहा हमारे शिलान्यास का शिलान्यास करा रहे हैं, हमारे उद्घाटन का उद्घाटन करा रहे हैं, आपने इतना विकास किया था और आपने नारा दिया था यूपी को ये 7 पसंद है, जनता ने नकार दिया, आपने कहा था कि विकास बोलता है, बीजेपी ने कहा कि कारनामे बोलते हैं, आपने इतना विकास किया था तो चुनाव हार क्यों गए 2017 का? हमने जो विकास किया था 2017 का चुनाव हार गए, और जनता खाली आज 2021 में पिछले 2019-20 से ही चिल्ला रही है, और आज जनता सड़क पर, चौराहों पे, गलियों में, गांव में चिल्ला रही है कि विकास सिर्फ अखिलेश यादव साहब ने किया था और 20-22 में अब इन्हीं की सरकार बनाएंगे, उसी विकास की देन है कि जो आज जनता चिल्ला रही है। और जहां तक विपक्ष की भूमिका आपने कहा, देखिए विपक्ष को कि हम पीछे थोड़ा सा हटना मजबूरी हो जाता है, जब जनता का आक्रोश आगे आ जाता है और जब जनता सड़क पे आके फैसला करती है तो विपक्ष को चुप रहना मजबूरी हो जाता है। देखिए इनके विधायक दौड़ा दौड़ा के मार खा रहे हैं, बाढ़ पीड़ित में जा रहे हैं तो भगाए जा रहे हैं, और तमाम जगहों पे आप पश्चिम तो छोड़ दिए, पूरब में किस तरह हाल है, गोरखपुर में किस तरह हाल, तो जब जनता फैसला करने पर चली जाए ना तो फिर जनता पर छोड़ा जाता है, और वो जनता पे छोड़ा गया है, इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि अगर जनता के आगे हम निकले, जनता हमको कुछ करी, आप हटिए, अब हमको फैसला करने दीजिए, तो हम भी कह रहे भाई तो वोट का चुनाव है और वोट से ही सरकार बनना है, जनता हुकूमत से नाराज़ है तो जनता आ गया है। एक बार चुनाव, अखिलेश यादव ने कहा कि हमने विकास पर चुनाव लड़ना चाहा 2017 में, बीजेपी कब्रिस्तान शमशान पर चुनाव लड़ी, इस बार विकास पर चुनाव होगा या अब्बा जान चचा जान पे? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पिताजी के बारे में तो सहारा देके पार्लियामेंट में ले जाते हैं, ले आते हैं,
पिताजी को पिताजी समझते हैं, और जो लोग पिताजी नहीं समझते अपने पिता को, वो वही इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। जहाँ तक तेलुक विकास की बात है, जनता खुद चिल्ला रही है कि अखिलेश यादव साहब के अलावा कोई उत्तर प्रदेश को बचा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश डूब रहा है और इसको बचाने की जिम्मेदारी देने जा रही है जनता माननीय अखिलेश यादव साहब को, और समाजवादी पार्टी की सरकार लाने जा रही है। और हमको पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार होने के बाद जनता गर्व महसूस करेगी अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाने के बाद। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है, इसके लिए उनको कारसेवकों पर गोली ही क्यों ना चलानी पड़े। मुलायम सिंह यादव ने एक बार बयान में कहा था कि हमने कारसेवकों पर गोली इसलिए चलाई क्योंकि एक संप्रदाय इससे नाराज हो जाता। आज कई क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, उसका आप जवाब दे दीजिएगा। भाजपा के सतीश चंद मिश्रा ने कहा 23 हम हैं, 13 आ जाएं तो हमारी सरकार बन जाएगी, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ठोको की नीति चल रही है, 500 ब्राह्मणों की उन्होंने हत्या करा दी, इनकाउंटर कर दिए, एक ब्राह्मण के चलते कई ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। सारी पार्टियों में होड़ मचा हुआ है ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन का, आपकी भी पार्टी करा रही है, ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे? और इसके पहले के दो सवाल का भी जवाब दीजिए। देखिए, ब्राह्मण की बात तो छोड़िए, जब भी हमारी सरकार रही है हम लोग ज़्यादा ज़्यादा ब्राह्मण मंत्री भी रखते थे। जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया हमने, हम कोई दिखावटी काम करते नहीं। हम बहुत बड़ी मूर्ति फिर लगाने जा रहे हैं परशुराम जी की, उस पर भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही की कौन होते हैं लगाने वाले। मतलब वो अब जब हम तो साफ नियत से करते हैं, हमको हम वोट की राजनीति नहीं करते, बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति करती है जैसे कि जातीय आधार पर। अब 2.5 महीना रह गया आचार संहिता लागू होने में, और 2.5 महीने में जातीय आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया उत्तर प्रदेश के। देखिए बीजेपी की देन है। और जहाँ तक तेलुगु एक सवाल और आपने पूछा, मैं मिस कर रहा हूँ, दूसरा सवाल ब्राह्मण के अलावा आपने पूछा है, मुस्लिम तुष्टिकरण पे हमने पूछा और कहा कि अखिलेश यादव स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था एक मेन स्ट्रीम मीडिया के बयान पे इंटरव्यू में कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है और कारसेवकों पर गोलियां चलाती है। और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने एक बार बयान दिया था कि हमने कारसेवकों पर गोली इसलिए चलाई कि क्योंकि एक संप्रदाय और एक धर्म नाराज हो जाता। देखिए, जब गोली चली थी तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था हमने गोली चला के संविधान बचाया है, ठीक। और बीजेपी ये कहती रही कि मुल्ला मुलायम सिंह यादव हैं, सरयू नदी लाल हो गई राम भक्तों की, इस तरह हत्या किया मुलायम सिंह यादव साहब ने, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। आपको भी अच्छी तरह याद है, हमको भी अच्छी तरह। अभी पार्लियामेंट के आखिरी उसमें सत्र में मुलायम सिंह यादव साहब ने शिष्टाचारी आशीर्वाद दिया था, मोदी जी को भी दिया था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा बड़ा बैनर लग गया था, टीवी पे नेताजी की फोटो थी और उनको भगवान की तरह पेश किया गया था और सब धन्यवाद कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, समझ रहे हैं। उस वक्त मैं एक चैनल पे गया था और मैंने उसको शिष्टाचारी आशीर्वाद कहा तो उसको सब लोग घुमा रहे थे। ये बताइए कि जब राम भक्तों के हत्यारे थे मुलायम सिंह यादव साहब, सरयू नदी लाल हो गई थी, मुल्ला मुलायम सिंह यादव थे, अगर उनका जब शिष्टाचारी आशीर्वाद पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के उनको भगवान का अवतार मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तब उनको नहीं सूझा? जब उनको मोदी जी को प्रधानमंत्री का एक शिष्टाचारी आशीर्वाद जो सदन में दिया उन्होंने, उसको तक आपने तब भगवान मान लिया, अब कहते हैं फिर कि तुष्टिकरण और मुलायम सिंह यादव साहब ऐसे थे वैसे थे, अभी तो बीच में भगवान का अवतार मान रहे थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए थे और बाकायदा डिबेट पे कह रहे थे साहब मुलायम सिंह यादव से अच्छा नेता कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया मोदी जी को, तो आप सोचिए इनका कोई चरित्र नहीं है, ये अपने फायदे के लिए दूसरे को भगवान भी बता देंगे और उसी भगवान को हत्यारा भी कह देंगे। जफर जी, मैं बार बार इस अपने उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप परिचय के मोहताज नहीं है, 36 साल का लंबा राजनीतिक करियर है, आपने समाजवादी पार्टी को ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए भी देखा है, शिखर पे भी शून्य
शिवपाल सिंह यादव के संघर्षों को नकारा नहीं जा सकता है। आज शिवपाल सिंह यादव एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा फ़ोन उठा लेते हैं, भतीजे यानी अखिलेश फ़ोन उठा नहीं रहे। एक जगह तो और दर्द छलका, उन्होंने कहा कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम पीछे से काम करेंगे हमारे लोगों को अगर अखिलेश यादव अपने पार्टी में शामिल कर रहे। चाचा का ये दर्द भतीजे के प्रति, भतीजा मतलब कि अखिलेश यादव ध्यान नहीं दे रहे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास बड़ा अनुभव है, जरा कुछ बताइए। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की ने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को छोटी कोठी दिया, और हमारे शिवपाल चाचा जिनको आप बहुत मोहब्बत से चाचा कह रहे हैं, हम चाचा हैं कि नहीं, अखिलेश यादव चाचा हैं? हाँ उनके चाचा हैं, हम लोग तो भाई कहते आए, पुराने संगठन में रहे हैं। तो शिवपाल भाई को उतनी बड़ी कोठी मायावती जी की दे दिया, वाई श्रेणी की जेट प्लस वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दिया, सब दे दिया, तब भी तो उनको दर्द होना चाहिए था कि भतीजे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जहर उगल के सरकार बनाई है, उसकी दी हुई कोठी हम ना लें, उसकी दी हुई सी कोठी ना लें, तब उनको दर्द नहीं होगा? तभी तो दर्द होना चाहिए था। आप किसे बड़ा नेता? तो दोनों तरफ से आप किसे बड़ा नेता मानते हैं, अखिलेश यादव को या शिवपाल यादव? हम मुलायम सिंह यादव साहब हमारे सरपरस्त सबसे बड़े नेता। दोनों लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं? किसको? शिवपाल यादव को और अखिलेश यादव को। अब हमने तो आपको बताया, एक बात बताई, दर्द तो तब भी उनको होना चाहिए था। तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। 4.5 साल हो गया, सारा ऐशो आराम, आजम साहब की जांच हो गई, शिवपाल जी की जांच तो नहीं हुई। अब बताइए ना, क्यों नहीं हुई? बहुत से सवाल आते हैं। राजवाली की घर की बात है, उस पर हमको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन हम जो बोले हैं वो राजनीतिक, उसमें जो सामने प्रॉब्लम आया है वो हमने आपसे बयान किया। अगर आप संत कबीर नगर से आपकी पार्टी आपको टिकट दे देती है और उम्मीद है कि मिलेगी, तो वो तीन काम बताइए, हम अपने उत्कर्ष पत्रिका पे पूछते हैं प्रत्याशी, अगर मिलता है तो जहाँ से भी आप लड़ेंगे, वैसे पहले तो आपने जैसे बताया संत कबीर नगर से, तो वो तीन काम बताइए जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। देखिए दो चीज़ बहुत महंगी है इस सरकार ने तबाह कर दी है, और मध्यम वर्ग के लोग और तबाह में, स्वास्थ्य और शिक्षा। सबसे पहले तो इसको सस्ता करना पड़ेगा, और हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साहब की सरकार नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश तबाह हो जाएगा, आम आदमी तबाह हो जाएगा। प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं ये शिक्षा को, मनमानी पैसे की वसूली होगी, मनमानी फीस लेंगे, जिस तरह प्राइवेट स्कूल ले उसी तरह इसका भी, चिकित्सा का भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बुरा होगा। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनते हम लोग ये सारी चीज़ें रोक देंगे। तीसरा आपने काम नहीं बताया, और तीसरा काम हमारा सिर्फ डेवलपमेंट का होगा, इसलिए कि इन 5 सालों में, जो पिछले 5 सालों में अखिलेश यादव साहब ने डेवलपमेंट हर ज़िलों के अंदर किया था, इसे मुख्यालय से जोड़ दिया था, सड़कों को 4 लेन से और मुख्यालय को, तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट की वो हमारी सरकार में होंगी। जफर जी एक निजी सवाल है, और एक दर्शक ने ये कहा कि जरा जफर जी से पूछ लीजिएगा। जफर जी बड़े अनुभवी, 36 साल का अनुभव रहा है, 2 बार विधानसभा भी इन्होंने लड़ा, क्या दिक्कत रह जाती है, क्या कमी रह जाती है? इतने मतलब आपने विधानसभा में अपने से कम उम्र के लोगों को विधानसभा जीता कर भेज दिया, संघर्ष आपका रहा, आपने वोट बैंक को सींचने का काम किया, बड़े पुराने आप कार्यकर्ता हैं, कहाँ दिक्कत रह जाती है? पार्टी सपोर्ट नहीं करती या फिर नहीं? अब लोगों की मानसिकता खराब हो गई थी, अब सुधरी है जाके, और वो मानसिकता खराब किया था भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए हम आपके चैनल पर एक बात बोल रहे, COVID-19 से देश को खतरा नहीं, BJP-14 ने देश को तबाह कर दिया। COVID-19 से कोई असेट, सरकारी असेट्स बिके नहीं, लोग बीमार पड़े, कुछ ने अपना घर बार बेच के इलाज कराया, कोई बचा नहीं बचा, यानी व्यक्तिगत रूप से पड़ना हुआ, लेकिन COVID-19 से, लेकिन BJP-14 से सारी सरकारी असेट्स बिक गए, आम आदमी तबाह हो गया, महंगाई की मार हो गई, दवा इलाज नहीं मिला, और दवा इलाज बिना मर गए कोविड में, तो लकड़ी नहीं मिली अंतिम संस्कार के लिए, कफन नहीं मिला, इस तरह के हालात पैदा हो गए। तो BJP-14 से देश बर्बाद हो गया, COVID-19 से देश पे उतना असर नहीं पड़ा।
अब हमको इस चीज़ को देखना है कि बीजेपी 14 से पहले निपट लें, बाद में कोविड 19 का फिर इंतजार। तो आप इस समय जफर अमीन डक्कू जी को सुन रहे थे, बड़े मुखर होकर अपनी बात रखते हैं और मुखरता के लिए जाने भी जाते हैं। हमने जितने भी प्रश्न पूछे कहीं भी घुमाते हुए नज़र नहीं आए, सारे प्रश्नों का सीधा सीधा जवाब दिया। और इन्होंने ये भी बता दिया कि अगर विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो वो तीन काम क्या करेंगे, और भी काम थे लेकिन हम तीन पूछते हैं, तीन इन्होंने बताया। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आज इन्होंने इंटरव्यू दिया, सारे प्रश्नों को इन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।